मिशन 19 का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दल की सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में मूलभूत मुद्दों को राजनीतिक दल ने भुला दिया है। भले ही स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा गया हो, लेकिन ये धरातल पर दिखता नजर नहीं आ रहा। वैसे तो जिले भर में सैकड़ों निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं, जो शिक्षा विभाग के मानक पर खड़ा नहीं उतर रहा है, लेकिन त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र में दर्जनों निजी स्कूल विभागीय निर्देश के विपरीत काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बगैर पंजीकृत दर्जनों आवासीय निजी स्कूल छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर हम ये नहीं पढ़ते कि हुकूमत किसकी हाकिम कौन, नीयत किसकी नाजिम कौन, खिदमत किसकी खादिम कौन। कितने प्यारे लगते हैं ये बच्चे जब एक साथ खेलते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ घर जाते हैं। इतना ही नहीं, अजय का टिफिन खाता है आज़ाद, नीलम की चोटी गूंथ देती है नाजनी, अजय से गले मिलते हैं आज़ाद। लेकिन इस शिक्षा के मंदिर में ऐसे बदनुमा तस्वीर देखकर आप रह जाएंगे दंग। इसकी वानगी ये है कि एक सप्ताह पहले एक निजी छात्रावास में आग लगने के कारण एक छात्र की मौत भी हो गई थी। इन स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की जिंदगी से न सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि इनके मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं। आलम यह है कि इन विद्यालयों में भेड़ बकरियों की तरह मासूमों को ठूस कर रखा जाता है। कहीं बच्चे सफाई करते दिखते हैं तो कहीं बच्चे बर्तन धोते हैं। बावजूद इसके शिक्षा विभाग इस दिशा में कोई भी ठोस पहल नहीं करती, तो वही बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की सुविधा के नाम पर ठेंगा दिखा दिया जाता है। वही दूसरे कमरे में जानवरों की तरह बच्चों को रखा जाता है। क्या ऐसे ही बढ़ेगा हमारा देश? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।